हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सिद्धार्थ। और आपको पता है आईफोन 12 प्रो इट्स अ लीप ईयर लॉन्च हो गया है दोस्तों। और आईफोन ने लॉन्च कर दिया है आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो मैक्स, चार अलग अलग वेरिएंट लॉन्च किए हैं दोस्तों। जैसे कि आपको दिख रहा होगा किसका डिस्प्ले छोटा है तो किसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है दोस्तों। और लेकिन हम इस वीडियो में इसके ना स्पेक्स हम जानने वाले हैं, ना हम बात करने वाले हैं इसके कलर के बारे में, ना हम बात करने वाले हैं इसके अनबॉक्सिंग के बारे में, हम बात करने वाले हैं इसके प्राइसिंग के बारे में दोस्तों। क्योंकि अगर आपको आईफोन लेना है तो मैं कहूँगा दुबई जाइए और दुबई से जाके लेके आइए, क्योंकि इंडिया में मालूम है बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं और बड़े बड़े महंगे फ़ोन लेते हैं, और वो आईफोन को हमेशा से जितनी प्राइस वो आईफोन ऑफर करता है उतनी प्राइस में ये इंडिया में बहुत सारे लोग आईफोन ले लेते हैं। इसीलिए एप्पल की तरफ से बहुत सारे प्राइस रेंज आपको देखने को मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी प्राइस रेंज। और इंडिया में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इंडिया में टैक्स ड्यूटी वगैरह बहुत सारा लगता है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इतने सारे पैसे लेते हैं दोस्तों आईफोन वाले, और आईफोन व्हाट्स इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या क्या देता है आईफोन, और सिर्फ USB-C टू लाइटनिंग केबल दोस्तों। और नीचे क्लियरली मेंशन है, मैंने उसे हाईलाइट किया है, मैंने उसे बड़ा करके बताया है, एज पार्ट ऑफ आवर एफर्ट्स टू रीच आवर एनवायरमेंटल गोल्स आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स डू नॉट इंक्लूड अ पावर एडेप्टर और ईयर पॉड्स, प्लीज यूज यूर करंट एप्पल पावर एडेप्टर एंड हेडफोन्स और परचेज दिस एसेसरीज सेपरेटली। यानी मतलब क्या है, मतलब आप 1 लाख का फ़ोन लोगे और आपको सिर्फ फ़ोन मिलेगा। आप हमें कमेंट में बताना आप आईफोन लोगे या रेडमी। तो दोस्तों हम आते हैं मेन पॉइंट पे दोस्तों, प्राइसिंग है इंडिया में आईफोन की। तो मिनी है वो शुरू होता है 64 GB का, 70,000 से आईफोन 12 शुरू होता है, 80,000 के आसपास आईफोन 12 प्रो मिलता है 119,900 128 GB का, और प्रो मैक्स मिलता है दोस्तों 129,900 का। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स हमारे सामने इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन मज़े की बात है दोस्तों, अगर आप इसी प्राइस को आप कंपेयर करते हो US से, तो आप देख सकते हो जो वेरिएंट 70,000 के करीब आपको मिल रहा है वो आपको US में 56,000 में मिल रहा है। तो यही US के साथ हुआ है, बहुत प्राइस कम देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम देखने को मिला दोस्तों, जो फ़ोन आपको 70,000 में मिल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में 57,300 में मिल रहा है दोस्तों। ऐसा ही हुआ है कनाडा के साथ, ऐसा ही हुआ है हांगकांग के साथ दोस्तों, और इतना काफ़ी नहीं है जो कि दुबई की रेंज है, जिसके वजह से मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ। आईफोन 12 प्रो 128 GB 84,000 में मिल रहा है, एज कम्पेयर टू इंडिया में वो 119,900 में मिल रहा है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट कर दिया, फ्लाइट टिकट अगर आप देखोगे, अगर इंडिया से आपको जाना है दुबई, तो नियर अबाउट 17,000 to 18,000 मिलता है दोस्तों। और आईफोन 12 प्रो मिलता है हमें दुबई में 84,000। आप खर्चा करोगे दुबई में जाओगे तो 8-10 हज़ार होगा, और टोटल अराउंड होता है 110,000 के आसपास दोस्तों। यानी कि मनी सेव अराउंड 8,000 to 10,000। तो आप क्या कहोगे, मतलब आप दुबई घूम के आ रहे हो 114,000 to 110,000 के आसपास, और आपके जो बचे हुए पैसे हैं उसमें से आप रिचार्ज कर लो। और अभी आपको डाउट होगा कि आप इसे 84,000 में कैसे खरीदे, क्योंकि हर कोई तो दुबई नहीं जा सकता। तो पहला ऑप्शन है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स होंगे आउट ऑफ इंडिया तो उनके है, वहाँ आप चेक कर सकते हो अपने आईफोन 12 की प्राइस और मंगा सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है जो कि आपको, आप दुबई से मंगा सकते हो, वो आपको होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो अगर आपको इन अलग अलग वेबसाइट्स के, ट्रस्टेड वेबसाइट के बारे में जानना होगा तो हमें कमेंट में, तो क्या है आपको क्या लगता है आईफोन के बारे में, क्या आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे अलग अलग पिक्स के लिए, हमारे चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।